बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। गाइस आज हम लोग बनाएंगे मुर्ग हलीम, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसके साथ हम लोग बनाएंगे रुमाली रोटियाँ। तो चलिए देखते हैं रुमाली रोटियाँ और मुर्ग हलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाइस चिकन ले लिया हमने, चिकन के साथ टमाटर ले लिए हमने, प्याज लहसुन और अदरक ले लिए, कुकिंग ऑयल, नमक मिर्च मसाला जात, और इसके साथ हमने ये चार किस्म की दाल हमने भिगो के रख दी है। इसमें दाल चना है, दाल माश है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल और गंदम का दलिया। तो अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे गलने के लिए। वही दालें हमने सारी प्रेशर में डाल दिए, दोनों प्रेशर हमने रख दिए। अब हम इसमें हल्दी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करने के बाद इसका फ्लेम ऑन करके तो प्रेशर इसका लगा देंगे हम लोग। वही दाल हमने चढ़ा दिए चूल्हे पे, तो अब हम मैदा गूंद लेंगे अच्छे से, नमक ऐड करेंगे इसमें जो हमने रोटी बनानी है, उसके लिए हम लोग मैदा अच्छे से गूंद लेंगे, नमक ऐड किए और अब पानी ऐड करेंगे। तो गाइस बर्तन हमने चेंज कर लिया हुआ है आटे के लिए, क्योंकि वो उसमें सही तरह से गूंदा नहीं जा रहा था, आटा हमारे पास बहुत ज़्यादा था, मैदा हमारे पास बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हमने एक बर्तन ले लिया दूसरा, जिसमें बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें हम लोग अभी से गूंदेंगे। तो गाइस मैदा हमने गूंद लिया अच्छे से, अब हम इसे इसमें से निकाल के दूसरे बर्तन में रख के और इसे ढांप के रख देंगे। गाइस दाल जो है ना वो अच्छे से गल चुकी हुई है, अब हम इसे एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। गाइस दाल अच्छे से गल चुकी हुई है, इसे हमने एक खुले बर्तन में निकाल लिया, अब इसे थोड़ी देर साइड पर रखेंगे और हम लोग इसके लिए जो चिकन है वो तैयार करेंगे। वही सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसके साथ प्याज ऐड करेंगे हम लोग, फिर लहसुन ऐड करेंगे, इसमें अदरक ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग लहसुन अदरक को, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका हुआ है, उसके बाद फिर इसमें टमाटर ऐड करके मसाला जात ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 2 टेबल स्पून, जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ चिकन ऐड कर देंगे। तो भाई चिकन को हम लोग डाम के 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए, तब तक हम लोग जो मैदा गूंद लिया था उसके पेड़े बना लेंगे। वही इस तरह से हम लोग इसके पेड़े बना लेंगे। वही एक बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे हम लोग, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वह रोटियां बनाने के लिए हमने ये इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि नॉनस्टिक का काम करेगा ये, नमक वाला पानी इस पर इस तरह से ऐड करेंगे हम लोग। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और चिकन को मज़ीद 5-7 मिनट तक पकने देंगे इसी तरह ताकि ये गल जाए, और तब तक हम लोग अपनी रोटियां बना लेते हैं।
गाइस इस तरह से हम लोग इसे सेक लेंगे। जो जो हिस्सा इसका रहता होगा उसे हम लोग इस तरह से फोल्डिंग करके सेक लेंगे। तो ये रुमाली रोटी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वैसे चिकन भी हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे दाल में ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर इसे ग्राइंड करेंगे। तो भाई चिकन हमने इसमें मिक्स कर दिया, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे दाल को अच्छे से। गाइस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से दाल हमारी सारी ग्राइंड हो चुकी हुई है अच्छे से। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये प्याज इसमें हम लोग ब्राउन कर लेंगे पहले। तो गाइस प्याज जो है ना वो अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ब्राउन हो चुका हुआ है ये आप देख सकते हैं। हम लोग किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में इसके लिए तड़का जो है ना वो अब तैयार करते हैं हम लोग। वैसे हलीम के लिए तड़का तैयार करने के लिए हमने लहसुन ले लिए। लहसुन की तुड़ियाँ हमने बारीक बारीक काट ली हैं, ये हम लोग ऐड करेंगे घी में। भाई लहसुन जो है ना वो ब्राउन हो चुका हुआ है। अब हम इसमें लाल मिर्च साबुत है हमारे पास, सूखी लाल मिर्च साबुत, ये ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे तड़का भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, मिर्च भी फ्राई हो चुकी हुई है और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसे उठा के इसी तरह हलीम में ऐड कर देंगे। ऐसा आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हलीम हमारी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब ये प्याज हमने जो फ्राई किया हुआ था ये इस पर ऐड कर देंगे। वैसे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कलर आया हलीम का। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ, बच्चों को सर्व करेंगे हम लोग। तो गाइस माशाल्लाह से हलीम और रोटियां हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है और अब हम हलीम और रोटियां बच्चों में तकसीम करेंगे। लैन बना लो ठीक है तो
गाइस आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।